हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज ये व्लॉग नहीं है, ये एक वीडियो है। और आप देख सकते हैं कि अभी हम देहरादून में हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं FRI है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे देहरादून के बारे में कि यहाँ पर क्या क्या घूमने के लिए है और यहाँ पर आप कैसे आ सकते हैं, यहाँ पर टोटल होटल का एक्सपेंस कितना होगा और आपके फूड का, लंच का कितना एक्सपेंस होगा और आपका फेयर वगैरह कितना लगेगा पूरे देहरादून को एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए आपको हम एक एक करके पूरा डिटेल्स बताते हैं। आप हमारे चेहरे पर ध्यान मत दीजिएगा, भले ही हमारे शायद आप चेहरा काला आ रहा होगा लाइट के वजह से, लेकिन आप डिटेल सुनिएगा हमारी। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे जो देहरादून है, यहाँ पर आने के लिए आप लखनऊ से, मुंबई से, चारों तरफ से आपको यहाँ पर ट्रेनें वगैरह मिलती है। आप आ सकते हैं जब भी आप आना चाहे, लेकिन आपको यहाँ पर आने के लिए पहले आपको रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, ट्रेन के टिकट बुक कराने पड़ेंगे, वरना आपको बिल्कुल भी सीट नहीं मिलेगी। और आपको यहाँ पर आने के लिए आप फ़्लाइट से आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं, अपनी सुविधा, अपनी कन्वेंस से आ सकते हैं। और यहाँ पर आपको मसूरी अगर आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे देहरादून से, तो वो 50 किलोमीटर अवे है यहाँ से, और उसको आपको जाने के लिए वहाँ पर आपको कैब लेना पड़ेगा, जो कि आपको नीचे सिटी, देहरादून सिटी से मिल जाएगा। लगभग 1000 रुपये आपका वो लेगा और आपको मसूरी तक छोड़ेगा, लेकिन मसूरी एक्सप्लोर करने के लिए आपको वहाँ पर आपको अपना कैब करना पड़ेगा, जो कि आपको पूरा सिटी का वो आपको ट्रैवल कराएगा, क्योंकि मॉल रोड है वहाँ पर और वहाँ पर आपको कैंपटी फॉल है, कंपनी गार्डन है और बहुत सारी चीज़ें आपको मसूरी में मिलेगी, क्योंकि वो जो है वो क्वीन ऑफ द हिल्स है देहरादून का। तो आप आइए, वहाँ विज़िट कर सकते हैं। अब मैं बता दूँ, अगर आप यहाँ पर शिफ्ट होना चाहते हैं तो यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत बड़े बढ़िया स्कूल है, क्योंकि बहुत सारे जो स्कूल है देहरादून में वो इंटरनेशनल स्कूल है। यहाँ पर फॉरेन से स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, और क्योंकि यहाँ की एजुकेशन जो है वो बहुत ही बेस्ट है। बहुत सारे एक्टर्स लोगों ने यहाँ से पढ़ाई किया है। आप देख सकते हैं हमारे जैसे हम यहाँ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में खड़े हुए हैं और यहाँ पर भी बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग वगैरह हुई है। और अब हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सारा टेम्पल्स मिल जाएंगे, मंदिर मिल जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और अगर आप यहाँ पर शिफ्ट होना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर महंगाई इस समय बहुत ज़्यादा है। अगर हम बता दूँ, अगर हम लखनऊ से कंपेयर करेंगे तो लखनऊ में तो इतना महंगाई नहीं है, पर अगर आप देहरादून आते हैं, अगर आपके बजट अच्छा है, आपके पास आपने अच्छा सेविंग करके रखा है, तो ही आप यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं, यहाँ पर रह सकते हैं। अगर आपने के पास बजट नहीं है, आपके पास आपकी सेविंग खुद की नहीं है, तो आप यहाँ पर रह नहीं सकते। और आपके लिए मैं बता दूँ कि हरिद्वार में और ऋषिकेश में और वहाँ पर आपको, अगर आप बिज़नेस करना चाहेंगे तो वहाँ पर आपके लिए बिज़नेस के लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, वहाँ पर आप ज़्यादा बिज़नेस कर सकते हैं। परंतु अगर आप देहरादून में रहकर अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल यहाँ पर रेस्टोरेंट है और होटल्स वगैरह जो हैं वो काफ़ी ही बहुत ज़्यादा हो चुका है, अगर आप अपना नया एस्टेब्लिश करना चाहेंगे तो वो बहुत ही इम्पॉसिबल है, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए नया कुछ यहाँ पर इस्टेब्लिश करना। तो ये सारी डिटेल थी जो मैंने आपको अपनी इस वीडियो में बताया है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को देख लीजिएगा, पहले डिटेल्स ले लीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं नए व्लॉग में।